फूड निकालने दे ली हमको। चेरी नहीं खानी मेरे को, चेरी दिस आर ऑल्सो नाइस, दिस इज फॉर 699। हमारे बचपन में ऐसे सामान क्यों नहीं थे आए। गाइस माय नेम इज कृष्णिका, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई थिंक एक या दो महीने बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है बिकॉज मेरी बीची का बर्थडे है। दोज हू गाइस फॉलो मी सिंस अ लॉन्ग टाइम नो प्रीतिका, उसका बर्थडे है, मैंने उसके लिए गिफ्ट्स लेने जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी बाइंग द मंडाला आर्ट किट जो उसने मांगी थी मेरे से। अदर दैट मेरे पास एक आइडिया कि मैं उसके लिए एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा बनाऊंगी, उसके अंदर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें डालूंगी सो दैट उसको मजा आए अनबॉक्सिंग करने में। सो या लेट्स डू दैट, लेट्स गो फॉर किड्स टॉय शॉपिंग जो मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज हमारे टाइम में ऐसे टॉयज नहीं होते थे। तो लेते हैं फटाफट एंड लेट्स गो टू होम मॉमी लैंड। क्यूटी क्यूटी स्टफ, हमारे बचपन में ऐसे सामान क्यों नहीं थे आए। दिस इज डूडल आर्ट मंडाला किट, इसको तो वेट ही नहीं है कोई। सीट्स होते हैं कलर में, इसमें उसमें क्या फर्क है भैया? क्वालिटी वाइज का फर्क है, साइज का फर्क है, क्वांटिटी का फर्क है। ये जूनियर किट है राइट, इसका बताओ। हैप्पी बर्थडे। ऊपर से भाग के आई हूँ मैं, सांस चढ़ गई। कितने साल की हो गई रितिका? 10 यस। दिमाग रितिका का 2 साल वाला ही है। यस। हमें करिए मिस्ट्री बॉक्स, ये मिस्ट्री बॉक्स है। अभी नहीं देखना, वीडियो बनाएंगे हम, तब देखना है ना, एक्साइटमेंट हो रही है। अब कर ला शूट यहाँ पे, पहले भी यही होता था जब मैं यहाँ पे शूट करती थी ना, यहाँ पे चप्पली आ जाती थी वापस आ गई। बस मैंने रितिका को मजाक बोला हम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे और ये सीरियस हो गई। रितिका के अंदर का यूट्यूबर क्या कर रही है चप्पली हमारे साथ? शूट नहीं करने दे रही हमको, शूट नहीं करने दे रही। आप हटा दो ना फिर चप्पली, आपको डर थोड़ी लगता है? मेरे को भी लगता है। डर लग रहा है यार, हिलने चाला भी लग रहा है। मॉम है। A few moments later, इनको देखो कैसे कर लिए। अरे मुझे एंगल तो देखने दे, किधर बैठे हैं हम? तो करूँ ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, स्टैंड ही नहीं है। मुझे लाए आने के लिए सब साफ सफाई कर लिए, तो ये पूरा चमकी ले। जो तू बोले ना सारा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। शूट किया है मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। चलो अब हम मेरा गिफ्ट खेलेंगे, मेरा गिफ्ट खोलेंगे। पर बर्थडे तो दीदी का था ना, तो मैं तो गिफ्ट खोलूंगी ना। आपका आपके बर्थडे पे आएगा ना? डिसअपॉइंटेड बेचारी। अरे आएगा आपके बर्थडे पे, एक और मिस्ट्री बॉक्स लाऊंगी मैं, ठीक है? ठीक है। बाकी जो सामान लाई हूँ वो आप भी तो शेयर करोगे ना? वो चैलेंज नहीं कराती मेरे को। नहीं वो कराएगी, शेयर कराएगी, ठीक है? 2 आवर्स लेटर, आई हैव माय असिस्टेंट टुडे। हम कपड़ों से किचन के सेक्शन में क्यों आ गए? यार खाना वाला, घरेलू शॉपिंग, यहाँ थोड़ी खा सकती है, मतलब लेके तो चल सकते हैं। हाँ अभी ले लेंगे, लेट मी शॉप सम किचन स्टफ। वाओ क्लॉथ्स भी काफी अच्छी है, 500 की, और कॉटन की है ना। मेरे को ना यहाँ पे ये भी है, अब मैं कहीं नेक्स्ट बीच वेकेशन पे जाऊँगी ना मैं इससे लूँगी। ये तो स्पोर्ट्स वाली होगी, अच्छी लग रही है, लीची बीची। ये मेरी ऑलमोस्ट यही तो है, यही से भी है। ड्रेसेस आर आल्सो नाइस, दिस इज फॉर 699। अच्छी लग रही है, काफ़ी इंग्लिश लग रही है। हाँ हाँ ये मैं ट्राई करूँगी। हाँ
खाने का है, जो कपड़े हैं, जूते हैं, गर्ल्स का 499. ये यूज क्यों लग रही है पर? ओह नो, है ना? दिस इज फ्रेश. अच्छी लग रही है 500 रुपीस के हिसाब से. हाँ यार, डबल बेड की बेडशीट मिल रही है जस्ट फॉर 200. डबल बेडशीट नाइस. रेगुलर स्टफ एज वेल. This is for 299. This is for अच्छा सिंगल वाली 199 की, डबल वाली 299 की. ये सुंदर है. बीच चप्पल्स सबसे ज़्यादा अच्छी है. 149. तेरा तो हो गया बर्थडे. कैसा है? बहुत टेस्टी है. नेक्स्ट मॉर्निंग. हाई गाइज, इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. आई एम बैक टू माई ससुराल बिकॉज मुझे काफ़ी सारी मेरी वीडियो कमिटमेंट थी, मुझे वो फिनिश करनी थी. सर आके बैठ जाते हैं और जब से मैं जिम जा रही हूँ ना, इतना दर्द हो रहा है बॉडी में. लिटरली ऐसे बैठते उठते वक्त भी पेन फील हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम बाद जब दोबारा जिम करो तो मसल सोनेस बहुत ज़्यादा होती है. सो यहाँ भी बोला भी फेस चल रहा है. बट आई हैव सम वर्क कमिटमेंट्स एंड बिफोर यू थिंक कि विद्या का बर्थडे था, केक नहीं काटा, पार्टी नहीं करी, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे ऑन सैटरडे. सो फ्राइडे थर्सडे को उसका बर्थडे था एंड आई वेंट देयर कि चलो बर्थडे वाले दिन गिफ्ट देती हूँ बिकॉज वो एक स्पेशल फीलिंग अलग होती है. बट वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन सैटरडे. इट्स लाइक अ मोर लाइक अ गेट टुगेदर विद फैमिली. सो वही ट्राई करूंगी अगर मैं ब्लॉग कर पाई तो. ऑब्वियसली नहाते हुए मैंने फेस वॉश कर ही लिया था. आई एम नथिंग ऑन माई स्किन राइट नाउ. जिन्होंने मेरा रीसेंट स्किन केयर रूटीन देखा उनको पता होगा कि अब मैं कितना ज़्यादा एक सिंपल और एकदम इफेक्टिव लेकिन एक छोटा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. मैं फालतू में सुबह के टाइम ज़्यादा कुछ मॉइस्चराइजर सीरम्स एंड ऑल नहीं लगाती. बिटवीन नाउ डेज आई जस्ट वॉश माई फेस एंड अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन, दैट्स इट. मैं फालतू में मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर सीरम्स ये सब इतना ज़्यादा नहीं लगाती. एंड यू गाइज नो माई लव फॉर डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एक्वा जेल सनस्क्रीन. मैंने उसकी कितनी बारे में बातें करी हैं. आई फिनिश मोर देन 3-4 ट्यूब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सनस्क्रीन एंड देयर इज अ गुड न्यूज बिकॉज डर्माको ने लॉन्च किया है उसी सनस्क्रीन का एक और न्यू वर्जन विच इज अ लॉन्ग लास्टिंग वर्जन. सो इसका नाम है डर्माको 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन. ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है एंड द मेन थिंग अबाउट दिस वन इज इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन. सो जो यूजुअल सनस्क्रीन होती है वो आपको 2-3 आवर्स की सन प्रोटेक्शन देती है, फिर आप उसको रीअप्लाई करना होता है. एंड वॉट इफ हमें कहीं बाहर जाना है, हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं, हमारे पास नहीं टाइम रीअप्लाई करने का. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन इज ये आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देती है. ये आपको 6 आवर्स प्लस की प्रोटेक्शन देती है. सो अगर आप लंबे टाइम के लिए कहीं धूप में जाने वाले हो, आई वुड से यूज दिस वन. ये हल्की सी रनी है विच आई लाइक बिकॉज ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है. जितनी सनस्क्रीन पतली होती है ना वो उतने अच्छे से आपकी स्किन में जाती है. सो आई लाइक टू यूज़ अ 2-फिंगर रूल. अब तो मुझे आइडिया लग जाता है तो मैं अच्छे से 2-फिंगर रूल लेके उसको मसाज करती हूँ एंड आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू मसाज सनस्क्रीन इन टू माई स्किन. जब भी आप कम सनस्क्रीन लगाओ ना तो बहुत जल्दी स्किन में चली जाती है और पता नहीं चलता. बट ट्रस्ट मी, जब तक आप अच्छे से 2-फिंगर रूल से भर के सनस्क्रीन नहीं लगाओगे आपको वो सन प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली. एंड यू कैन सी कितने अच्छे से ये स्किन में ब्लेंड हो रही है. आई लव हाउ सुपर लाइट वेट इट इज़. बहुत जल्दी स्किन में ब्लेंड हो गई, कोई व्हाइट कास्ट नहीं दिख रही. आप देख सकते हो कोई भी तरह की व्हाइट कास्ट नहीं है जबकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाई है 2-फिंगर रूल के हिसाब से. ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है तो आप इसको स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. दिस वन इज SPF 50 विद PA 4x+. इट इज़ इन्फ्यूज विद हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रीडियंट जो स्किन को एकदम प्लम्प रखता है, मॉइस्चराइज रखता है. तो इसके साथ आपको कोई भी मॉइस्चराइजर सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये एक सिंगल यूज प्रोडक्ट है जो सबको इजीली रिप्लेस कर देता है. यू कैन बाय दिस फ्रॉम डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट. यू कैन यूज माय कोड Kashika2024 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट. एंड व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि. डर्माकोज एम्पावर्ड 15,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव. इफ यू बाय फ्रॉम डर्माको आप ये इनिशिएटिव को भी सपोर्ट कर सकते हो. बट अदरवाइज यू कैन बाय फ्रॉम नायका, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल. मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. डेफिनेटली चेक इट आउट, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. Yeah.
6.5 hours later. Hello, it's almost 1 around, मतलब रात के 1 बज रहे हैं and I'm filming a YouTube video. आजकल मैं इसी टाइम में वीडियो फिल्म करती हूँ बिकॉज बिल्कुल भी नॉइस नहीं होता, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, लाइक ये बिल्कुल मेन रोड के पास है ना रूम, तो बहुत ज़्यादा ऐसे शोर आता है, बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, ट्रैफिक नॉइज़ आती है. सो आजकल मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा क्वालिटी कॉन्टेंट बनाऊँ, तो मैं रात के 1 बजे फिल्म करती हूँ ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए. आई जस्ट फिल्म माई मंथली फेवर्स, आई थिंक इस व्लॉग के आने से पहले मंथली फेवर्स लाइव चले जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिव्यू करे हैं एंड एज यूजुअल ब्लॉगर ऊपर से सुंदर बनी होती है और नीचे से पजामे में बैठी हूँ मैं. आई एम वेयरिंग कश्माना, बाय द वे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस बाय कश्माना, बहुत ब्यूटीफुल सी इसकी वीनेक नेकलाइन है. बिल्कुल ये वैसी लग रही है जो आलिया भट्ट ने पहनी थी ना, जो कॉफी विद करण में जब वो आई थी, बड़ी प्रिटी प्रिटी ड्रेस पहनी थी, बिल्कुल ये वैसी लग रही है. एंड या फाइनली वीडियो हो गई है, अभी थोड़े से थंबनेल शूट कर लेती हूँ बिकॉज कैमरा हीट हो गया था, उस पर सिंबल आ गया था हीट वाला, सो अभी मैं थोड़े से फोटोज ले लूँगी थंबनेल के लिए. एंड या आई विल जस्ट क्रैश एंड स्लीप. आजकल का शेड्यूल इतना ख़राब हो गया ना मेरा, बट क्या करें यार, थोड़ा अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. एंड या आई विल सी यू टुमारो. आई लिटरली मेड माई ओन सेट, सो ये कुर्ता और जैकेट के साथ जो पैंट्स आई थी वो बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है मुझे, बिकॉज ये मैंने लास्ट टू लास्ट ही अपनी ट्रूज़ों के लिए स्मॉल साइज़ में लिया था. सो ये मुझे पैंट्स दिख गई रैंडमली, मैंने लास्ट वीक भी पहनी थी, दीज आर फ्रॉम इंडिया. सो मैंने पेयर करके देखा है, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं लग रहा. अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि ये इस कॉट सेट का पार्ट नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा. इट लुक्स नाइस, वाओ इनोवेशन. देखो जब अपने घर पे फंक्शन होता है ना तो फॉर्मेलिटियाँ नहीं करते. आई एम रिमूविंग माय हील्स. मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे हील्स पहन के आई हूँ. मैं वापस अपनी घर वाली चप्पल में, जो मेरी पेटिन चप्पल थी. ओह गॉड, मेरे पैर दर्द हो गए. फीलिंग बेटर. यस, बैक टू बेसिक्स. And I'm back home, super super tired, but makeup अच्छा लग रहा है. जिस दिन विंग लाइन है मेरा परफेक्ट बनता ना. ओ ये क्या हुआ, हाँ ये वाइप हो गया था, थोड़े मेरे गीली गीली आईज हो गई थी. ये वाला विंग लाइन एकदम परफेक्ट है. जिस दिन विंग लाइन अच्छा बनता ना उस दिन मेरा मेकअप ऐसे ही अच्छा होता है. बट आई एम एंडिंग द व्लॉग नाउ. आई थिंक मैंने किस दिन शुरू किया था, प्रतीका के बर्थडे पर शुरू किया था, विच वॉज ऑन 4th, और आज 6th एंड हो चुकी है. सो 2-3 दिन का अच्छा एक्साइटिंग व्लॉग बन गया. लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट मोर व्लॉग्स. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँ, दो मैं इतनी अच्छे से कर नहीं पाती है. दैट इज इट फॉर डेज व्लॉग. इफ यू लाइक इट गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल. जो भी मैंने प्रोडक्ट्स की बातें करी है इस वीडियो में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो भी चेक कर लेना. एंड या बाय बाय.